पिताजी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप बैठे बैठे रो रहे हैं। बापू और बैठे गमगीन, बैठे गमगीन क्यों इस तरह से पिता? क्या है मुझे भी बता दीजिए, बात क्या है? करने आखेट जंगल क्या नहीं जाओगे? करने आखेट जंगल क्या नहीं जाओगे? भोजन तैयार है चल कर करिए। बिटिया सावरी, तुम जानना चाहती हो कि मैं हर वक्त क्यों इतना गमगीन बैठा रहता हूँ? बैठे रहते हो बापू? सुनो बेटी, अरे क्या बताऊँ तुम्हें बेटी मैं सावरी, सारी चिंता तुम्हारी सगाई की है। अब बुढ़ापे में आके होता नहीं, दूसरी चिंता अपनी कमाई है। अब हम एक रुपया कहूं से कमा नहीं पाए बिटिया, हम रात दिन यही सोचा करी थे कि तुम्हार शादी हम कैसे कर पाओ बिटिया। मैं समझती हूँ पिताजी, आप इस उम्र में कुछ कमा नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको चिंता है। मेरी शादी की चिंता पिता ना करो, मेरी शादी की चिंता पिता ना करो, एक दिन बिगड़ी दुनिया संवर जा।
जानना हूँ, मैं समझती हूँ, अगर आपके पास बेटी की जगह बेटा होता तो आपका साथ देता, आपके साथ जंगल में आखेट करने जाता, कमाई करता। बेटा नहीं है तो क्या हुआ पिताजी, मैं हूँ ना, आज मैं आपके साथ जंगल में आखेट करने चलूंगी। तुम ठीक कहा तो, लेकिन गांव के लोग तो यही सोचा करे थे बिटिया कि बंसु की बिटिया सयान हो गए, शादी नहीं करत, अपने सुपास के बड़े अपने बिटिया के घर में बैठा है। नहीं बापू, लेकिन ये लोग हमारे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं बेटी, क्या करें। बापू आप परेशान हो, मेरी शादी की चिंता छोड़ दे, और ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बापू मैं खाना बना करके आई हूँ, और सबसे पहले आप चल करके खाना खा लीजिए। बापू और दुनिया में कितने